Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. डुग्गर चैनल को समय की जरूरत बताते हुए सांस्कृतिक संगठन भारतीय कला संगम ने साफ किया है कि पाकिस्तान की ओर से जारी भारत विरोधी दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए डुग्गर चैनल की जरूरत है। लंबे समय से लोग डुग्गर चैनल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें डुग्गर चैनल देने की बजाय जम्मू दूरदर्शन को भी रिले स्टेशन बनाकर रख दिया है। पिछले कई वर्षों से जम्मू दूरदर्शन से मात्र पुराने कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है और जम्मू के कलाकारों के साथ भेदभाव हो रहा है। मकामी कलाकारों ने मांग की कि जम्मू दूरदर्शन के कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए, पुराने कार्यक्रमों की जगह नए कार्यक्रम बनाए जाएं। जिला किश्तवाड़ के डच्चन तहसील के दूरदराज गांव हंजर में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बचाव दल ने मलबे से दबे 7 शव बरामद किए हैं, जबकि 17 घायल लोगों को बचा लिया गया है। अभी भी गाँव में 14 लोग लापता है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने अशोक गुप्ता की अगुवाई में यूटी प्रशासन के खिलाफ पानी बिजली के अघोषित कट को लेकर हाथों में पंखियों और पंखों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू प्रोविंस के अंदर 124 ट्रांसफार्मर सड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं कुछ दिनों बाद वो सड़ जाते हैं। उन्होंने 440 केवीए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग रखी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के वाट्राना इलाके में बीते दिन अपने घर में बिजली का करंट लगने से एक 22 वर्षीय लड़की की मौत हो गई, जबकि उसकी मां उसको बचाते वक्त घायल हो गईं। तुरंत दोनों को बांदीपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनकी मां को बेहतर इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। CRPF बल जहां प्रदेश के लोगों के जान माल की रक्षा आतंकियों से करती आ रही है, वहीं ये बल अपने सामाजिक दायित्व से भी कभी पीछे नहीं हटता। इसका जीता जागता उदाहरण पुंछ अस्पताल में देखने को मिला, जहां एक महिला को इमरजेंसी में ओ ब्लड पॉजिटिव की सख्त जरूरत पड़ी। ऐसे में पता लगते ही 72 बटालियन के एक जवान ने तुरंत आकर महिला को खून किया। परिवार वालों व मौजूद लोगों ने CRPF के इस कदम की सराहना की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते हाई अलर्ट है। अलग अलग क्षेत्रों में भारी नुकसान की खबरें आ रही है, परंतु ये तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। बीते दिन जिला रियासी के डेरा बब्बर क्षेत्र में एक पुल टूट गया था, जिसके बाद लोग नाले का सहारा लेकर आ जा रहे हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखें, कैसे एक मिनी बस चालक अपने साथ सवारियों को लेकर नाले के बीचों बीच बहते पानी से क्रॉस कर रहा है। पुलिस प्रशासन कहां पर है? ऐसे दोषी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई करनी चाहिए। पुल का काम भी कछुआ चाल चल रहा है। अगर इस लापरवाही से कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? जिला सांबा के विजयपुर में PDP कार्यालय में PDP के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने PDP जिला प्रधान रमेश सिंह सलाथिया की देखरेख में 22वें स्थापना दिवस को मनाया। इस मौके पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देकर उनकी उपलब्धियों को याद किया। इस मौके पर पार्टी द्वारा मेंबरशिप ड्राइव भी चलाई गई। रामगढ़ के लोगों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 1 घंटे तक विजयपुर रामगढ़ सड़क को बंद कर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 7 में बिजली विभाग द्वारा भेजा गया ट्रांसफार्मर खराब था, जो रात को फिर सड़ गया। इस ट्रांसफार्मर से 4 वार्डों को लाइट सप्लाई की जाती है। लोगों ने कहा कि उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता। 4th क्लास पदों के लिए 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे अभ्यर्थी अब आवेदन नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड और प्रदेश प्रशासनिक विभाग की आवेदन शर्त को सही ठहराया है। अब जारी अधिसूचना में शर्त संख्या 6 के अनुसार 4th क्लास में न्यूनतम 10वीं और अधिकतम योग्यता 12वीं कक्षा है। किश्तवाड़ में भाजपा नेता अनिल परिहार और उसके भाई की हत्या मामले में NIA ने मुख्य साजिशकर्ता आतंकी मलिक नूर मोहम्मद फयाज को किश्तवाड़ के एक ठिकाने से गिरफ्तार किया है। NIA की जांच के अनुसार 51 वर्षीय फयाज किश्तवाड़ का पुराना आतंकी है
वो पिछले 30 साल से किश्तवाड़ और डोडा में सक्रिय था। ये आतंकी युवाओं को बरगलाकर आतंकवाद में शामिल करने के भी इसमें बड़ा हाथ था। किश्तवाड़ के दच्चन और पाडर में बादल फटने के बाद 20 पुल बह गए हैं और इससे सैकड़ों गांव का संपर्क कट गया है। गनीमत ये रही कि इस बार कोरोना महामारी के चलते मचेल यात्रा रोक दी गई थी, अन्यथा बड़ी त्रासदी हो सकती थी। ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल है। मचेल इलाके में 300 से ज्यादा लोग अलग अलग जगह फंसे पड़े हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं।